अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का दिन, इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत देश आज़ाद हुआ था। आप सभी लोगों को एडवांस में यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत को आज़ाद कराने के लिए किस तरह से मुसलमानों ने अपने खून को बहा करके इस देश को आज़ादी दिलाई। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हर घर में तिरंगा ये क्या है, इसकी अफवाह बहुत तेज़ी से फैलाई जा रही है, इसके बारे में हम आपको पूरी मालूमात देंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक अच्छे मुसलमान हैं तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखते रहिए। और इस देश से मोहब्बत करने वाले लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा प्यारा भारत देश लगभग 200 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। दोस्तों, जब तक दिल्ली पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाही ताला अलही का राज था, तब तक किसी भी अंग्रेज़ में इतनी हिम्मत ना थी कि वो भारत देश को अपना देश कह सकें। जिस दिन टीपू सुल्तान शहीद हुए, उस दिन अंग्रेज़ों ने कहा, अब ये भारत देश हमारा हुआ। अंग्रेज़ों में टीपू सुल्तान का इतना खौफ था कि वो इस भारत देश को अपना देश भी नहीं कह सकते थे। जिस दिन टीपू सुल्तान शहीद हुए, उस दिन से भारत देश अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया और अंग्रेज़ हुकूमत करने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाही ताला अलैही को कोई डायरेक्ट नहीं हरा सकता था, और ये बात अंग्रेज़ भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे के टीपू सुल्तान को हराना आसान काम नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने ये चाल चली कि टीपू सुल्तान के कुछ सिपाहियों और साथियों को माल का लालच दे करके अपने साथ मिला लिया। इन लोगों ने टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी कर दी, जिसके नतीजे में टीपू सुल्तान के महल में अंग्रेज सैनिक घुस गए। टीपू सुल्तान जैसे ही खाना खाने बैठे थे के पहला निवाला उठाया था, तो खबर मिली कि अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाही ताला अलैही शेर की तरह लड़ते हुए शहीद हो गए। जब टीपू सुल्तान शहीद हुए, तब उसी दिन अंग्रेज़ों ने कहा, आज से भारत देश हमारा हुआ। दोस्तों, टीपू सुल्तान एक अल्लाह के वली भी थे। इन्होंने हिंदुस्तान की तरक्की के लिए भारत देश में फारसी जबान, अंग्रेज़ी जबान लोगों को सिखाने के लिए कई सारे मदारस भी चालू करवाए। जब भारत देश पर अंग्रेज़ काबिज़ हो गए, तो 1857 में सबसे पहली आज़ादी की जंग लड़ी गई, जिसमें सिर्फ मुसलमान और अंग्रेज़ों के बीच में जंग हुई। मुसलमान में बड़े बड़े उल्मा इकराम भी शामिल थे। इस जंग के नतीजे में भी वही हुआ कि कुछ गद्दारों ने गद्दारी कर डाली और इधर का सारा प्लान उधर जा कर के बता दिया। फिर जब जंग हुई, तो उसमें मुसलमान हार गए। जाहिर सी बात है, जब इधर का प्लान उधर जाएगा तो हार फिक्स ही है। इस जंग में बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए और जो बच गए उनको बंदी बना लिया गया और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई। उनके जिस्म की खाल को निकाल दिया गया, उन्हें कुत्ते और गीदड़ों से नुचाया गया, उनके घर लूट लिए गए, उनके बच्चों को मार दिया गया, उनकी औरतों को उठा लिया गया, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्मो सितम किया गया। फिर भी वो मुसलमान डटे रहे और दोस्तों, सभी धर्म के लोगों ने मिल करके
कंधे से कंधा मिलाकर के पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन शुरू कर दिया। तब जा करके 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत देश आज़ाद हुआ। उन तमाम शहीदों को दिल से सलाम जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिया। और आज हम लोग हर साल 15 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हर घर तिरंगा ये क्या है, तो हम आपको बता दें ये भारत सरकार ने इस स्वतंत्रता दिवस पर एक योजना चलाई जिसमें लोगों को 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा हाथ में ले करके या घर में लगा करके एक फ़ोटो लेनी है और उनकी बताई गई वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। बस इतनी सी बात है और इस काम के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अब लोग यहां पर ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि अगर कोई शख्स तिरंगे के साथ अपनी फ़ोटो नहीं खींचेगा या तिरंगा अपने घर में नहीं लगाएगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है या उसे जेल हो सकती है या उस पर जुर्माना लग सकता है। तो दोस्तों ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं, ये सारी झूठी बातें हैं, आप इन अफवाह से बच कर के रहें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।